दोस्तों ये वीडियो है अबाउट दैट प्रोफेशन विच हार्वर्ड हैज सेड इज द सेक्सीएस्ट प्रोफेशन ऑफ द सेंचुरी। अगर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये कह रहा है कि कोई प्रोफेशन सेक्सीएस्ट प्रोफेशन ऑफ द सेंचुरी है, डिकेड नहीं सेंचुरी, तो वो प्रोफेशन क्या जबरदस्त होगा दोस्तों। तो हम जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों कि वो कौन सा प्रोफेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, वो डेटा साइंटिस्ट है, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, पर वो प्रोफेशन क्यों डिमांड में है, क्यों सेक्सीएस्ट प्रोफेशन है, क्यों हॉट है, व्हाई द सैलरीज आर अबव 1 करोड़ बहुत सारे इस प्रोफेशन में, व्हाट डज अ डेटा साइंटिस्ट डू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग ऑफ द टॉप डेटा साइंस कॉलेजेस इन इंडिया। कुछ उसमें एमबीए कॉलेजेस है, कुछ एमबीए कॉलेजेस नहीं है, मैं आपको रैंकिंग दूंगा। कुछ आईआईएम्स है, कुछ आईआईएम्स नहीं है, ये रैंकिंग आपको बहुत कम जगह मिलेगी क्योंकि अभी रैंक नहीं करते, मैंने देखा रैंक करते नहीं है। तो मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से ये रैंकिंग किया है लिंक्डइन में देख के, प्रोफाइल्स और सैलरीज देख के, बहुत सारे अदर वेबसाइट्स में जैसे क्रंच बेस हो गया, ग्लास डोर हो गया, ठीक है, तो वो एंड में है, मैं आपको बताऊंगा, रैंकिंग ज़रूर देखना। पहले बात करते हैं दोस्तों कि डेटा साइंस क्यों सेक्सीएस्ट प्रोफेशन ऑफ द सेंचुरी कहा है हार्वर्ड ने। दोस्तों कोई भी जॉब का सैलरी ज़्यादा क्यों होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों कोई भी जॉब का सैलरी ज़्यादा तब होता है या कम तब होता है, ज़्यादा तब होता है जब उसका डिमांड बहुत हो और सप्लाई कम हो, राइट। आपके पास बहुत निश स्किल है, कोई निश स्किल है, कहने को बोलते हैं कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये टॉप जॉब्स है, पर सबसे ज़्यादा सैलरी इनमें नहीं होगी। सबसे ज़्यादा सैलरी कुछ ऐसे जॉब में होंगी जो हमें पता ही नहीं है, पर 100 रिक्रूटर्स को पता है और उसके 10-15 ही लोग हैं, आप समझ रहे हो। कोई एक ऐसा निश जॉब होगा, कुछ जॉब्स होते हैं जो हेड हंटर्स को पता होता है, जिसके लिए कंपनी बंदे खोज रही होती है और ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट हो बिजनेस में, लेकिन बंदे ही नहीं हो। तो कंपनी क्या करेगी, अगर 1000 जॉब्स हैं और 10 ही बंदे हैं तो वो ढूंढने में टाइम लगा देगी, और जब कोई बंदा मिला तो बोलेगी यार जो इसको सैलरी मिलता है दे भाई, मुझे तो ये बंदा चाहिए, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा चक्का टूट गया है, वो चक्का चल नहीं रहा है। दोस्तों मुझे किसी ने एक बात बोला था जो जिसके कारण मैं कॉर्पोरेट्स में जॉब करना उतना पसंद नहीं करता हूँ कंपेयर टू अ बिजनेस, और हर जॉब पसंद नहीं करता कॉर्पोरेट का, कि ये बोला था किसी ने, बहुत ही सही बात बोला था, कि कॉर्पोरेट के जॉब्स वाले लोग पहिए की तरह होते हैं, दे आर लाइक टायर्स, गाड़ी चलते रहती है, एक पहिया पंचर हो गया तो दूसरा पहिया लगा लो, दूसरा टायर लगा लो, राइट। दैट्स द सेम अबाउट अस एम्प्लॉयज़, हम अगर एक ख़राब हो गए, अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहे, कंपनी हमें हटा देगी, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर नया पहिया आ जाएगा, नया एम्प्लॉय आ जाएगा। दिस इज़ वॉट आई डोंट लाइक अबाउट कॉर्पोरेट, बट दिस इज़ वॉट वी हैव टू मेक टू आवर एडवांटेज। अगर हम कुछ ऐसे प्रोफेशन में, अगर हमारे पास कुछ ऐसा स्किल है, कुछ ऐसा पर्सनल ब्रांड है जो कि हमें रिप्लेस करना ही मुश्किल हो जाए, थोड़ा और टाइम लगे कंपनी को, वो टायर पाने के लिए उसे 100 किलोमीटर जाना पड़े, तो वो सोचे यार कि मैं इसे तब तक चलाऊंगा जब तक एकदम ख़राब ना हो जाए, और आप ख़राब हो ही ना उतना, तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे, आपका बहुत वैल्यू होगा, आपको फायर भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर एक साल आपका काम नहीं हुआ तो भी आपको कंपनी रखेगा कि भाई एक साल बाद जरूरत होगा इसका, तो मैं कहाँ से ढूंढूंगा बंदा, समझ रहे हो मेरा बात, ये बात समझना। तो दोस्तों डेटा साइंस कहीं ना कहीं इस तरह से आता है, क्यों, क्योंकि मैं आपको नंबर्स देता हूँ। द डेटा द एनालिटिक्स इंडस्ट्री अभी कहा गया है $3 बिलियन साइज का है, $3 बिलियन, मतलब इतना पोटेंशियल एनालिटिक्स इंडस्ट्री का, और इंडिया में 1 लाख डेटा साइंस जॉब्स, इंडिया में नहीं, ओवर द वर्ल्ड 1 लाख डेटा साइंस जॉब्स वेकेंट है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि डेटा साइंस नहीं, इंडिया में एक्चुअली 1 लाख डेटा साइंस जॉब्स वेकेंट है, ये 2020 का एक रिसर्च स्टडी में आया था, येस। और इतने जॉब्स, बहुत ज़्यादा जॉब्स हो गए प्रोफाइल में, और डेटा साइंस ना इज़ नॉट एनालिटिक्स और नॉट इंजीनियर और नॉट बिजनेस एनालिस्ट। बहुत लोग डेटा साइंस को मिसयूज़ करते हैं, बोलते हैं मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, पर डेटा साइंटिस्ट होते नहीं है, कुछ भी डेटा के साथ कर लो तो आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बना यार। एक सेल्स वाला बंदा भी डेटा के साथ काम करता है, एनालाइज करता है, पर डेटा साइंटिस्ट थोड़ी हो गया। तो कौन है डेटा साइंटिस्ट? डेटा साइंटिस्ट वो हुआ जो डेटा को माइन करता है, डेटा को माइनिंग करना होता है, फिर कोलेट करना होता है, फिर एनालाइज करके एक्चुअल फिनोमेनन से टेस्ट करना होता है, फिर कंक्लूजन निकालना होता है। तो जहाँ माइनिंग इन्वॉल्व होता है, जहाँ ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एल्गोरिथम्स के साथ काम करना होता है, वो डेटा साइंटिस्ट होता है। एक्चुअल डेटा साइंटिस्ट बहुत कम है, 1 लाख तो एक्चुअल डेटा साइंटिस्ट आज के डेट में प्रीमियर है भी नहीं इंडिया में, और इतने जॉब्स हैं, इसलिए इसका डिमांड है, इसलिए इसकी सैलरी ज़्यादा है, ठीक है। अचानक से इंटरनेट बूम हो गया, ई कॉमर्स बूम हो गया, ठीक है, डेटा
बहुत सारा आ गया मार्केट में, बहुत डेटा आ गया, तो उनको एनालाइज करना पड़ेगा। अभी मैं आपसे बात करूँ, आप फ़ोन यूज़ करो, सब डेटा जा रहा है। आप फ़ोन कितने घंटे यूज़ करते हो सोचो, तो कितना डेटा है आपका जो कंपनीज एक्सेस कर सकती है, करती है, उसको एनालाइज करना। तो ये अभी 10 साल में उभर के आया इतना डेटा और ये रोल, और इतने लोग हैं ही नहीं, क्योंकि डेटा साइंस बनने तो अब चालू हुए लोग, 10 साल बाद क्या पता थोड़ा स्टेबलाइज हो। इसलिए सैलरी ज़्यादा है, इसलिए करोड़ों में सैलरी है, इसलिए इसमें डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो, एक्चुअल काम करते हो, माइनिंग डेटा किया है आपने, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप कन्विंस कर सकते हो एचआर को, आपको एमबीए की कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री के बाद भी आप 1 करोड़ कमा सकते हो कुछ सालों बाद, ठीक है। इसीलिए डेटा साइंटिस्ट डिमांड में है, और डेटा साइंटिस्ट का काम ये है एक्चुअल क्या काम करके करता है ये सब कुछ भी, एल्गोरिथम का काम करना, मेरा यूट्यूब वीडियो किसको दिखाना है ये बहुत डेटा यूज़ करके करना होगा। आप कौन सा यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो, आप कौन सा वीडियो कितने मिनट तक देखते हो, आप किस सब्जेक्ट्स में वीडियोस देखते हो, आज आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हो, अभी आपका क्या मूड है, ये सब सब यूट्यूब एनालाइज कर रहा है, और फिर आपको कुछ वीडियोस आपके शुरू में देगा वो डेटा एनालाइज करके। ये डेटा साइंटिस्ट का ही काम है, वो सब कुछ एल्गोरिथम ऐसे रन करना कि एल्गोरिथम खुद मेरा वीडियो आपके पास लाए, या किसी और का वीडियो आपके पास लाए, मेरा आपके पास लाया है तो एल्गोरिथम काम कर रहा है, आदमी ने एल्गोरिथम बनाया, एल्गोरिथम काम कर रहा है। तो ज़बरदस्त काम है, मुझे तो खुद पूरा समझ में नहीं आता है क्योंकि मैं इतना टेक्निकल बंदा हूँ नहीं, पर हाँ समझ में आता है कि बहुत टेक्निकल है इसलिए पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टॉप 5 कॉलेजेस इन इंडिया फॉर डेटा साइंस विच पे द हाईएस्ट सैलरीज। द नंबर 1 कॉलेज इन इंडिया फॉर डेटा साइंस एंड आई कैन आर्ग्यू विथ एनीवन ऑन दैट इज आईएसआई दिल्ली, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली। यहाँ से जो बंदे निकल के आए, मैंने स्टडी किया लिंक्डइन में, वो 4 कंपनीज में, गोल्डमैन सैक्स, यूबीएस, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एफएमसीजी, ये यहाँ पे जाके डेटा साइंस का रोल देती है और भयंकर पैकेज देती है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 2 साल बाद 30-40 लाख, 3 साल में 50 लाख हो जाता है, मैंने देखा है, क्रंच बेस में रिसर्च किया है। आईएसआई दिल्ली से अगर आप निकलते हो तो आपको भयंकर कंपनीज में प्लेसमेंट लगता है स्टार्टिंग, और वहाँ आप काम कर लो तो कंपनी के ब्रांड नेम से और काम से आपको फिर अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है और सैलरी मिल जाती है। आईएसआई दिल्ली इज़ द नंबर 1 कॉलेज फॉर मी। नंबर 2 में मैं, 2-3 में आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकटा। आई एम कैलकटा ने अपना डेटा एनालिटिक्स कोर्स स्टार्ट किया है एक, वो बहुत ज़बरदस्त है, 2 में रखूँगा मैं उसे। नंबर 3 में आई एम बैंगलोर का रखूँगा मैं, डेटा साइंस का कोर्स एक है फुल टाइम, 20 लाख से ज़्यादा पैकेज है दोनों में, तो ये 2 और 3 हो गया। 4th में मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स कोर्स डालूंगा, क्योंकि इनके बच्चे भी बहुत अच्छे सैलरीज लेते हैं और प्रोग्रेस करते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कोर्स, एमबीए कोर्स नहीं, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का है, दैट इज 4th रैंक अकॉर्डिंग टू मी। और 5th में SCMHRD ने अभी एनालिटिक्स कोर्स स्टार्ट किया है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड दीज आर द टॉप कोर्सेज माई डियर फ्रेंड्स फॉर एनालिटिक्स, आई मीन डेटा साइंस। आप कोई भी एनालिटिक्स का कोर्स कर लो, वो उससे आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। ये तो एक्चुअल डेटा साइंस के कोर्सेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ से बहुत सैलरीज मिलती है दोस्तों। आई होप अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आप कर पाओ, सो दैट आप बोल पाओ लोगों को कि आई एम इन द सेक्सीएस्ट प्रोफेशन ऑफ द सेंचुरी। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।